हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपको बॉटल प्लांटर्स बनाना बताएंगे कि किस तरह से आप प्लास्टिक बॉटल्स का यूज़ करके ब्यूटीफुल प्लांटर्स बना सकते हैं और अपने गार्डन को एक ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं। ये आप कोई भी फिगर इस पर ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी फेस आप इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें हमने स्पाइडर प्लांट्स लगाए हुए हैं जो इनके हेयर्स का लुक दे रहे हैं। तो आप कोई भी फिगर इस पर ड्रॉ कर सकते हैं जो आप चाहें। और प्लास्टिक बॉटल्स को तो आप वैसे भी बाहर फेंक देते होंगे, तो क्यों ना प्लास्टिक बॉटल्स का रीयूज़ किया जाए और अपने गार्डन को सुंदर बनाया जाए। तो ये कुछ मिनरल वाटर की बॉटल्स हैं, आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स भी ले सकते हैं या प्लास्टिक की कोई दूसरी बॉटल्स भी आप ले सकते हैं। तो ये जो मिनरल वाटर की बॉटल्स होती हैं, ये काफ़ी लाइट वेट होती हैं और काफ़ी हल्की, मतलब बारीक होती हैं, तो इसको कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसको हम कट करेंगे। पहले तो आप इस पर कोई भी फिगर ड्रॉ कर लीजिए मार्कर से या स्केच पेन से, और जिस साइज़ का आपको बनाना है उस तरह से आप उसकी कटिंग कर लीजिए। तो ये हमारे कुछ पुराने प्लांटर्स हैं, हम इन्हीं की तरह ड्रॉ करेंगे इस पर और फिर इसको कट कर लेंगे। तो कुछ शार्प नाइफ ले सकते हैं आप, कुछ भी ले सकते हैं जो नुकीली चीज़ हो कोई, तो उसे हम इसका साइज़ जितना हमें बड़ा करना है उतना ले लेंगे और एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। तो इस तरह से ये इजीली कट हो जाती हैं बॉटल्स, काफ़ी हल्की होती हैं। अब हम इस पर मार्कर से जो हमारे प्लांटर पे इसके कान बने हुए हैं तो उस कान को हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, सीज़र ले सकते हैं या कोई भी नाइफ ले सकते हैं। और कटिंग बिल्कुल एकदम रफ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, तो वो बिल्कुल अच्छा लुक देती है एक। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत आसानी से कट जाएगा ये। तो आप कोई भी फिगर इस पर ड्रॉ कर सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं, या जैसे हमने फेस बनाया हुआ है इस तरह से किसी और कार्टून का फेस इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे कार्टून आते हैं, बटरफ्लाई बना सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं, गार्डन बना सकते हैं, इस पर कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर डॉट डॉट भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। और आप जब भी किसी बेस पर आप पेंट करें तो उसका पहले बेस आप वाइट कर लें, तो जो आप कलर उस पर करेंगे वो काफ़ी निखर के आएगा और काफ़ी क्लियर आएगा। तो इस तरह से हमने इस पर वाइट पेंट पहले से ही कर लिया है। ये कुछ और प्लांटर्स हमने तैयार किए हुए हैं और इन पर हमने वाइट कलर कर लिया है। अब आप कलर कौन से चूज़ करें, आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, वो एक्रिलिक हो या फैब्रिक हो या जो पेंट की शॉप से कलर्स आते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। ये हमारे पास फैब्रिक कलर है और ये पानी से बेकार नहीं होते हैं, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने वाइट बेस इसका रेडी कर लिया है, अब हम इस पर रेड पेंट करेंगे। आप जो भी कलर करना चाहें वो कलर आप कर सकते हैं, लेकिन आप ब्राइट कलर चूज़ करें क्योंकि गार्डन में ब्राइट कलर एक अच्छा लुक देते हैं, काफ़ी ब्राइट लुक आता है गार्डन में, तो तितलियाँ वगैरह भी आपके गार्डन की तरफ आकर्षित होती हैं। तो इस तरह से हम एक कोट कर देंगे और फिर इसके सूखने के बाद हम दूसरा कोट करेंगे। तो ये जो वाइट बेस हमने रेडी किया है, इसका ये फ़ायदा होता है कि जब हम उस पर कोई भी कलर लगाते हैं तो वो हमें केवल दो ही कोट करने पड़ते हैं और काफ़ी निखर के आता है कलर। तो इस तरह से हमने एक कोट इस पर कर दिया है और जब ये सूख जाएगा तब हम इस पर दूसरा कोट कर देंगे। अब हम इस पर दूसरा कलर लगाएंगे, ये येलो कलर कर रहे हैं हम इस पर। तो जो हमारे आप पीछे प्लांटर्स देख रहे हैं वो पुराने प्लांटर्स हैं, उसमें हमने वाइट बेस का यूज़ नहीं किया था, इसलिए वो कलर काफ़ी निखर के नहीं आए हैं, काफ़ी डार्क कलर हो गए हैं। तो इसमें हमने वाइट कलर बेस में लगाया है, तो देख ही सकते हैं आप कितना ब्राइट कलर निखर के आ रहा है, क्लियर आ रहा है बिल्कुल। तो जो बचा हुआ हमारा बॉटल का हिस्सा था उससे भी हम छोटे छोटे और प्लांटर्स बना सकते हैं। तो इस तरह से ये जो बच गया था, जो हमने कटिंग की थी इस तरह से, ये इसमें लगा हुआ था ना, तो हम इस वाले हिस्से को एक और छोटा सा मिनी प्लांटर बना देंगे। तो जो कटिंग का पोर्शन इसमें से हमने निकाला था उसको हम अलग कर देंगे और इस तरह से हम एक और इस पर फिगर ड्रॉ करेंगे, कान बना लेंगे छोटे छोटे। तो जो इसका एकदम साफ़ हिस्सा है
और जो बेकार है उसको बाहर निकाल देंगे। तो आप इस पे एलिफेंट की शेप भी बना सकते हैं, माउस की शेप भी बना सकते हैं, बहुत सारी शेप आप इस पे फिगर इस पे बना सकते हैं, जिस तरह से भी आपको बनानी हो। तो हमने इस प्लास्टिक बॉटल्स का कोई भी हिस्सा वेस्ट नहीं किया है, बेकार नहीं किया है, हम इसका सब कुछ जितना भी इस पे निकला है इसका प्लास्टिक मटेरियल वो हम सारा यूज़ कर लेंगे। बस ये जो हल्की सी इसकी कटिंग हम करेंगे यही वेस्ट होगी इसमें, और कुछ इसमें वेस्ट नहीं होगा। तो क्रिएटिविटी भी गार्डन में करनी ज़रूरी है, क्योंकि क्रिएटिविटी से आपको अच्छी लगती है क्रिएटिविटी तो आप कीजिए, नहीं तो बच्चों से करवा सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो छुट्टियां चल रही हैं तो आप ज़रूर बच्चों से करवाइए, कलर करवाइए, बच्चों को तो वैसे भी कलरिंग करने का शौक़ होता है तो आप कलर करवा सकते हैं उनसे, और इस पर न्यू डिज़ाइंस बनवा सकते हैं। बस आप बेस जो है वो वाइट ज़रूर रखें ध्यान से। तो इस तरह से हमने ये शेप इस पर कट कर ली है, और इस पर भी हमने जो दूसरा कोट है वो कर लिया है। तो आप देख ही सकते हैं कितनी शाइन आ रही है इसमें, काफ़ी शाइनी लग रहा है ये प्लांटर। तो अगर आप इसको बिल्कुल ही आपको इसको सेफ रखना है तो आप इस पर एक वार्निश का कोट कर सकते हैं। अभी हमारे पास वार्निश नहीं है, लेकिन जब भी हम पे वार्निश आएगी तो हम इस पर वार्निश का कोट कर देंगे। वार्निश का कोट आप तभी करें जब आप पूरा इसको रेडी कर लें, सारी फिगर जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप ऊपर से एक वार्निश का कोट कर दें इस पर। तो ये पानी में बारिश में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और ना ही ये रफ़ होता है, ये शाइनी बना रहता है वार्निश करने से। तो इस तरह से हमने इस पर फिगर ड्रॉ कर ली है। और एक बात का ध्यान रखें, जैसे आपका कोई लाइट प्लांटर है जैसे कि ये येलो कलर है, तो हमने इस पर ब्लैक कलर से इसकी नोज़ और आइज़ बनाई हैं, और अगर आपका डार्क कलर का प्लांटर है तो उस पर लाइट कलर से बनाइए, नहीं तो जो इसकी आँखें और नाक हैं वो दिखती नहीं है। जैसे आप डार्क पर डार्क कर देंगे तो वो दिखेगी नहीं, तो लाइट पर डार्क कीजिए और डार्क पर लाइट कीजिए। तो अपने गार्डन में इस तरह का अच्छा अच्छा क्रिएटिविटी अपनी दिखाते रहिए, काफ़ी सुंदर लगता है, ब्यूटीफुल लगता है। वैसे तो गार्डन प्लांट से भी बहुत सुंदर लगता है, लेकिन बीच बीच में जब आप उस पर कुछ क्रिएटिविटी करते हैं तो वो काफ़ी सुंदर लगती है। तो और वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं तो ज़रूर करवाइए, अपने छोटे छोटे बच्चों से भी करवाइए। और आप इसमें कोई सा भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें स्पाइडर प्लांट ही ग्रो करें, आप इसमें कोई सा भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। पर्पल हर्ट भी इसमें बहुत सुंदर लुक देता है, सेंसवेरिया भी आप इसमें लगा सकते हैं, और स्पाइडर प्लांट तो है ही, और आप इसमें मनी प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं और इसको टेबल पर रख सकते हैं, कॉर्नर में रख सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो हमने इस पर ज़्यादातर पे सभी पे सेम शेप इसकी बनाई है, सेम फिगर बनाई है। तो इस तरह से हम एक लोहे की आप कोई भी पिन वगैरह या कुछ भी गर्म करके इसमें होल कर सकते हैं, क्योंकि ड्रेनेज होल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांटर्स में। तो उससे जो प्लांट हैं हमारे हेल्दी रहते हैं जब ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहता है। और ये जो बॉटल वाला है तो हम इसको कवर को खोल सकते हैं, या फिर आप इसके कवर पे इसके कैप पे छेद कर सकते हैं। तो ड्रेनेज होल ज़रूर कीजिए आप अपने प्लांटर्स में, प्लांटर है जो इसमें प्लांट्स आप ग्रो करेंगे वो हेल्दी रहेंगे। ये एक और प्लांटर है जिसमें हमने साइड में होल किए हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि उसी से ही आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी और हमारे प्लांटर्स आपको कैसे लगे ये ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये एक और बॉटल है जिसको हमने कट नहीं किया था, इसमें बीच बीच में हमने होल कर दिए थे, और इस तरह से हमने इसमें पोर्चुला का जिसको 10 o'clock भी कहते हैं, 10 बजिया भी कहते हैं, वो हमने इसमें ग्रो की हुई है। और इसका थोड़ा सा हिस्सा हमने पेंट नहीं किया क्योंकि ये एक इसका ट्रांसपेरेंट लुक हमें देना था इसमें। तो एक अंदर से इसमें से इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं तो ये भी दिखाई दे तो अच्छा लगता है काफ़ी। तो इस तरह से हमने इसके आधे हिस्से पे ही पेंट किया था। ये एक और बॉटल प्लांटर है जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से बनाया हुआ है, और इसमें भी हमने एक दूसरे टाइप की पेंटिंग की है। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस करना ना भूलिए।
तो इस तरह से आप ज़रूर अपने गार्डन में बनाइए। और इसमें हमने ये वाइट अपराजिता लगाई हुई है जिसको सफ़ेद अपराजिता कहते हैं, शंख पुष्प भी कहते हैं। इस पर फ्लावरिंग भी हो रही है और ये हमने बेल के रूप में चलाई है, इसको प्लांट नहीं बनाया है। तो इस तरह से बहुत अच्छी ग्रोथ है प्लास्टिक की बॉटल में भी। ये कुछ और हैंगिंग बॉटल्स हमने बनाई हैं, हैंगिंग प्लांटर्स बनाए हैं, इसमें भी हमने पोर्चुलाका को ग्रो किया हुआ है। और बॉटल्स में आप होल करना बिल्कुल भी ना भूलें, इन सब बॉटल्स के नीचे हमने होल किए हुए हैं जिससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना रहता है। छोटे छोटे होल कर सकते हैं, बड़े बड़े होल कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको करना हो। तो इस तरह से आप कोई भी प्लांट इसमें ग्रो कर सकते हैं। इस पर अभी हमने पेंट नहीं किया हुआ है, जल्दी ही हम इन सब पे पेंट कर देंगे और न्यू डिज़ाइन इस पर बना देंगे। और देखिए नीचे से इसमें एक प्लांट ग्रो हो गया है क्योंकि ड्रेनेज होल में से निकल आया है वो। तो इस तरह से ये कुछ और प्लांटर्स हैं, इसमें फर्न ग्रो किया हुआ है, पोर्चुलाका है, बहुत सारे प्लांट्स हैं। आप ज़रूर हैंगिंग बना सकते हैं या आप प्लांटर्स ऐसे ही रखने के लिए बना सकते हैं। ये एक और प्लांटर है जिसमें भी पोर्चुलाका है और जगह जगह इसमें होल किए हुए हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।